दो साल का क्रिश्चियन था मैं, दो साल का। मुझे मालूम हुआ कि यहाँ पे कोई मीटिंग होगी, मैं मीटिंग में चला गया। वहां पे जो पास्टर था वो बोल रहा था, परमेश्वर तुम्हें आग दे रहे, वो तुम्हें फायर दे रहे, वो तुम्हें फायर। उसने इतनी बार फायर बोला, मेरे ख्याल से मैं उस मीटिंग में पता नहीं 15 बार गिरा हूं कि 20 बार गिरा हूं कि 25 बार गिरा हूं। वो फायर फेंकता जा रहा था, मैं रिसीव करता जा रहा था। मेरे को तब मालूम तो नहीं था कि वो फायर किस लिए। मुझे लगता कि वो फायर मेरी बीमारी के लिए होगी, मैं ले रहा हूं, हाँ मैं फ्री हो रहा हूं। वो मेरे मुसीबतों के लिए, हाँ मैं ले रहा हूं और फ्री हो रहा हूं। पर वो और भी किसी काम के लिए थी, वो आप लोगों के लिए थी, वो पंजाब के लिए थी, वो भारत के लिए थी। कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। सुनो, अगर वो रसौली आपके अंदर है, वो निकल चुके हैं, वो गिर चुके हैं, वो कैंसर गिर चुका है, वो रसौली गिर चुके हैं। आमीन हो जाइए आशीष आपकी। हालेलुया, हालेलुया। जब इस मिनिस्ट्री की शुरुआत हुई तो ऐसे मीटिंग्स होती थी, मीटिंग्स ऐसे मीटिंग में बैठते थे, चर्च के मेंबर बैठते थे और डिस्कस करते थे कि कैसे पैसा कैसे आएगा, कैसे हम जगह लेंगे, हम किराए पे हैं, कैसे क्या क्या करें, हम ऐसा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। और मैं बीच में बैठा और मैं हंसता था अंदर से, और प्रभु मुझे बोलता था कि जो ये बोल रहे हैं कुछ नहीं होगा ऐसा। जब फायर आएगी तो प्रोविजन सभी हो जाएंगे, जब फायर आएगी इंतजाम भी आ जाएंगे। यीशु मसीह 120 लोगों को यहां पर 5-5 एकड़ देकर नहीं गया था, 5-5 10-10 20-20 करोड़ देकर नहीं गया था, यहां तक कि उसे 5 लाख 2 लाख भी नहीं दिए थे। यीशु मसीह ने कहा तो जो चाहिए होगा वो तुम्हें दूंगा, पवित्र आत्मा दूंगा, दुनिया तुम्हारी होगी। उसने कहा उठ प्रकाश मानो, तेरा प्रकाश आ चुका है। मैंने कहा उठ प्रकाश मानो, तेरा प्रकाश आ चुका है। हालेलुया।